पुलिस लेसेंटा बंधु या फीमा। नमस्कार प्रिय किसान मित्रों, आपका अपने चैनल जीफार्म खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको मैंने नाम बताया है, तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं दो टेक्निकल मिक्स वाली दवाई, फिप्रोनील और इमिडाक्लोप्राइड। दोनों में 40-40% आता है। अब हम कार्य प्रणाली की बात करें तो जो फिप्रोनील होता है वो कीट के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक कर देता है, और जो इमिडाक्लोप्राइड मिला हुआ होता है वो कीट के नर्वस सेल की एनर्जी को रोक देता है, जिससे होता क्या है, कीट मर जाता है। अब इसमें दो टेक्निकल मिले हुए हैं जिनका हमें फ़ायदा क्या मिल रहा है कि एक कॉन्टैक्ट है और एक सिस्टमिक है। इससे क्या होता है कि जैसे ही ये हमारे फसल पर डलेगी तो उसके संपर्क में जो भी कीट आएगा वो तो तुरंत वहीं मर जाएगा। और दूसरा फ़ायदा हमें ये मिल रहा है कि कीट जो बच गए वो उस जगह को, हमारी फसल की उसी भी जगह को खाएंगे या रस चूसेंगे वहाँ पे, तो वो उस समय मर जाएंगे। तो ये हमें इसके दो फायदे हो गए, मतलब ये हो गए ड्यूअल, दो तरीके से काम करती दवाई। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिल रहा है हमें। अब इस टेक्निकल के असर की बात करें तो शुरू होगा आपके 2-3 दिनों के बीच में हमारे कीट पे नियंत्रण शुरू हो जाएगा इसका, और 4th दिन या 5th दिन के अंतराल में आपको बहुत शानदार रिजल्ट भी मिल जाएगा। अब इसका असर कितने दिनों तक रहता है, तो वो रहेगा 10-15 दिनों तक। और किसान भाइयों, एक समस्या थोड़ी सी ये रह जाएगी यहाँ पर कि आपके खेत के आसपास जो आपने फसल बो रखी है उसी प्रकार की फसल है और उसी किसान मित्र ने वहाँ पर दवाई का स्प्रे नहीं किया और वो कीट मौजूद है, तो आपकी फसल पर जल्दी वापस से लगने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी वहाँ पर। अब यहाँ पर हम वर्षा के प्रभाव की बात करें तो कंपनी के हिसाब से 2-3 घंटों के अंतराल में अगर जो आप दवाई खेत में से निकल के बाहर हुए और पानी गिर गया है तो काम कर जाएगी, पर किसान मित्रों कम से कम 5 घंटों तक रहेगी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा असर करेगी दवाई कीट पर। अब यहाँ पर हम कीट की बात करें कौन कौन से कीट को नियंत्रण करेगी, तो वाइट गर्भ और स्टेम बोरर और थ्रिप्स तीनों पर बहुत शानदार असर करती है, और वाइट गर्भ पर बहुत अच्छा असर करेगी ये। अब मैं फसल की बात करूं तो गन्ना हो गया, कपास हो गया, मूंगफली हो गई है, प्याज हो गया है, इन पर बहुत अच्छा, और लहसुन, इन फसलों पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती है दवाई हमें। अब यहीं पर इन टेक्निकल के मैं डोज की बात करूंगा, तो आप 20 ग्राम प्रति 20 लीटर पंप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि ज़मीन से देना चाहे, जैसे गन्ने की फसल होगी ज़मीन से देना चाहोगे आप, तो 175 ग्राम से 200 ग्राम प्रति एकड़ दे सकते हैं। और वहीं पर अगर जो दूसरी फसल में आप ज़मीन से देना चाहो, इसमें फिप्रोनील इमिडा दोनों मिला हुआ है, आपके ज़मीन में कीट जो भी मौजूद है उसमें बहुत अच्छा असर करेगी, तो आप 120 ग्राम से 150 ग्राम तक इसे दे सकते हैं बहुत आसानी से। अब मैं यहाँ पर कंपनी की बात करना चाहूँ तो पोलिस ले सकते हैं आप, लेसेंटा है, फिप्टोर है, गानो है, बंधु है और पीमा है, ये मार्केट में कुछ कंपनियाँ अवेलेबल है। अब मैं हमारे हिसाब से जो बेस्ट बताना चाहूँगा आपको, तो पोलिस और लेसेंटा ये दोनों बहुत बेस्ट है। किसान भाइयों, तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं, अपने किसान मित्रों से और वीडियो साझा करें। वीडियो देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।